अब ये चढ़ तो गई है, अब नीचे भी उतारना पड़ेगा यार। यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे उतारने ही वाला था। अरे भाई ये क्या हो गया इसके साथ, देखते हैं गाइस इतने खतरनाक कीचड़ में से क्या ये इसको पुश करके निकाल पाएगी या फिर नहीं। ये लो भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये जी वैगन से जरा भी कम नहीं है। गाइस आज मैं लाया हूँ चार मोस्ट पावरफुल और चार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आरसी कार्स। यहाँ पे देखो ये है ग्रेव डिगर, काफी बड़े साइज की ग्रेव डिगर है, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। दूसरी वाली कार है 4x4 बिग साइज थार, इसको भी रखते हैं। और ट्रैक्सस TRX6 जी वैगन, इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है। और सबसे आखिरी अपनी कार है स्पाइडरमैन ऑफ रोड आरसी कार। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि इसकी फाइट ये कार के साथ कराने के लिए, तो देखो दोनों को भी आज मैं लेके आ चुका हूँ। फटाफट से पहले इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो ये है ट्रैक्सस की जी वैगन, इसके अंदर लगे हैं 6 व्हील्स। और ये है महिंद्रा की आरसी थार, ये 4x4 है। ये जो जी वैगन है इसकी लेंथ काफी ज्यादा दी गई है अपनी थार के मुकाबले में। थार दिखने में काफी ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है, लेंथ में नो डाउट जी वैगन काफी ज्यादा दी गई है, पर विड्थ इसकी बहुत ज्यादा आएगा। बाकी देखो दोनों के टायर्स में आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। इसके अंदर भी ऑफ रोड वाले व्हील्स है, इसके अंदर भी ऑफ रोड वाले व्हील्स है, पर इसके व्हील्स की क्वालिटी इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेटर है। क्योंकि गाइस इसका प्राइस भी आप देखो 1 लाख रुपीज है और इसका प्राइस 55,000 रुपीज है। सामने का बोनट इसका ओपन हो जाता है, इसके सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स यहीं पे ही दिए गए। इसके अंदर आज मैं ये वाली बैटरी यूज करने वाला हूँ, 3300 mAh की 11.1 वोल्ट बैटरी। बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं। इसके जो पार्ट्स है कंप्लीटली वाटरप्रूफ है, यहाँ पे काफी ज्यादा पार्ट जो है मेटल के इसके अंदर यूज किए गए, पर इसके अंदर देखो यहाँ पे हर एक पार्ट जो है प्लास्टिक का ही आपको नजर आ जाएगा। ये जो एक्सटेंशन रॉड है ये थोड़े से मेटल के बने हुए। यहाँ पे इसकी मोटर है, एक बार इसकी मोटर भी खराब हो गई थी गाइस, रिसेंटली मैंने इसकी मोटर भी अभी चेंज कर दी। तो एक बार इसको ओपन करके इसके अंदर कौन सी बैटरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन कर दिया मैंने, इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक सिस्टम भी दिया गया। ये रही इसकी रिचार्जेबल बैटरी, ये भी 3S बैटरी इसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ, पर इसकी कैपेसिटी जो है थोड़ी सी ज्यादा है थार की बैटरी के मुकाबले में। अगर मैं मोटर का साइज आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो 550 की मोटर दी गई है, इसके अंदर भी 550 की मोटर ही देखने को मिल जाती है। पर गाइस इसके अंदर 2 गियर सिस्टम दिया गया है, पर इसके अंदर सिंगल गियर सिस्टम देखने को मिलता है। 35 टीथ वाली मोटर इसके अंदर है और इसके अंदर 22 टीथ वाली मोटर दी गई है। अब ग्रेव डिगर को कंपेयर करते हैं थार के साथ और जी वैगन के साथ। इन दोनों के मुकाबले में इसकी हाइट काफी ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मॉन्स्टर कार है। सस्पेंशन भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है दोनों कार्स के मुकाबले में। मॉन्स्टर कार होने के कारण इसके व्हील्स काफी बड़े साइज के भी है और इसके ऊपर ग्रिप भी काफी ज्यादा दी गई है, दोनों से भी बहुत ज्यादा बड़े साइज के है। ये एक बार बैटरी निकाल के भी बता देता हूँ ये कार के अंदर दिक्कत क्या है पता है गाइस। इसके अंदर लगानी पड़ती है 2S वाली बैटरी, अगर आप इसके अंदर 3S वाली बैटरी डालोगे तो कार की मोटर जल सकती है पूरी तरीके से। ये इसका जो बॉडी कवर है ये बहुत ज्यादा सॉलिड है यार, पर इसके जो पार्ट्स है कंप्लीटली प्लास्टिक के ही बने हैं, पर इसका सामने का सर्वो आप देखो पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। तो ये रही अपनी स्पाइडरमैन वाली कार, ये कार को आप बिल्कुल भी कम मत समझना गाइस, ये कार भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सामने का बंपर देखो इतना ज्यादा मजबूत है यार, मेरे को लग रहा है कि इसके सामने जो भी कार टकराएगी उसको ये उठा के फेंकने वाली है आज। व्हील्स की बात करूं तो थोड़े मेरे को इसके व्हील कम क्वालिटी के लगते हैं। अगर इसको मैं थार के साथ कंपेयर करूं तो गाइस देखो थार के मुकाबले में ये थोड़ी सी छोटी है, और ये भी 4 व्हील ड्राइव है, ये भी 4 व्हील ड्राइव है, ये भी 4 व्हील ड्राइव है, और ये 6 व्हील ड्राइव है। चलो गाइस अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं आज की फाइट में कौन सी कार है सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो गाइस अब यहाँ पे मैं रेस स्टार्ट करने वाला हूँ जी वैगन वर्सेस थार के बीच में। यहाँ पे देखो काफी खतरनाक वाला टेरेन है यार, यहाँ पे इस तरह के ऊंचे ऊंचे बम्प्स भी है, आगे जाने के बाद देखो गाइस यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे भी है। देखते हैं रेस में कौन जीतता है, 1, 2, 3 और ये रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आगे आगे चल रही है आरसी थार, देखो सामने बहुत बड़ी चढ़ाई है, आरसी थार बहुत आराम से चढ़ चुकी है और मर्सिडीज जी वैगन भी चढ़ चुकी है। अब मर्सिडीज जी वैगन थोड़ा सा आगे निकल गई है, इसके सामने आ चुकी है एक बहुत बड़ी चट्टान, देखते हैं इसके ऊपर से कौन पहले चढ़ पाता है। मर्सिडीज जी वैगन पहले चढ़ चुकी है, इसके जस्ट थोड़ा सा ही पीछे पीछे आ रही है आरसी थार। अब ये चढ़ तो गई है, अब नीचे भी उतारना पड़ेगा यार। ये देखो खतरनाक तरीके से जमीन से टकराई है, पर इसको कुछ हुआ ही नहीं। अब बारी है थार की, देखते हैं गाइस ये कितने अच्छे तरीके
से नीचे उतर पाती है। यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे उतारने ही वाला था। अरे भाई ये क्या हो गया इसके साथ? देखो गाइस, इसको मैं धीरे धीरे से उतारने की कोशिश कर रहा था जैसे कि जी वैगन उतरी थी, पर इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं दिया गया, इस वजह से गाइस ये पूरी तरीके से पलट गई थी। मेरे को लगा इसके अंदर कुछ तो टूटा है, ऐसी आवाज आ रही है। बाकी इसको बंद करके एक बार चला के देखते हैं गाइस। कुछ नहीं हुआ है आरसी थार को, अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से एकदम परफेक्टली चल रही है। देखो वापस से यहाँ पे एक और पहाड़ आ चुका है, इस बार इसको नीचे उतारते हैं, वापस से सेम दिक्कत। तो यहाँ पे क्लियरली मर्सिडीज जी वैगन जीत चुकी है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसके अंदर 6-6 व्हील्स होने के कारण इसको उतरते समय पहाड़ के ऊपर से काफी अच्छी तरीके से ग्रिप मिल रही है। क्लियरली यहाँ पे मर्सिडीज जी वैगन जीत चुकी है रेस में। अब मर्सिडीज जी वैगन की रेस होगी खतरनाक मॉन्स्टर ग्रेव डिगर के साथ। ये मॉन्स्टर ग्रेव डिगर कहीं भी चल सकती है क्योंकि गाइस इसके व्हील्स काफी बड़े साइज के। अब इन दोनों को मैं दलदल में चलाने वाला हूँ, नीचे एकदम खतरनाक गहरा दलदल है, ऊपर की तरफ इस तरह की बड़ी बड़ी घास है। क्लियरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो मर्सिडीज जी वैगन आगे निकल गई है, इसके जस्ट थोड़ा सा ही पीछे पीछे जा रही है मॉन्स्टर ग्रेव डिगर पर। मॉन्स्टर ग्रेव डिगर को दलदल में चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर मर्सिडीज जी वैगन बहुत आराम से निकल चुकी है। यहाँ पे मॉन्स्टर ग्रेव डिगर फंस भी चुकी है कीचड़ के अंदर। एक काम करते हैं गाइस, पीछे से इसको धक्का मार के निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इतने खतरनाक कीचड़ में से ये निकल पाएगी या फिर नहीं। फुल स्पीड में मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है, मेरे को लगा था गाइस दोनों ही यहाँ पे फंस जाएंगे, पर मर्सिडीज जी वैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। वापस से देखो गाइस, इसको आप कहीं भी चला लो, हर जगह पर ये एक नंबर तरीके से चलती है। ये आरसी थार मर्सिडीज जी वैगन से मेरे को जरा भी कम नहीं लगती है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में मैं रेस स्टार्ट कर चुका हूँ। क्लियरली यहाँ पे आरसी थार बहुत बढ़िया तरीके से सेम दलदल में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरसी स्पाइडरमैन कार फंस गई है कीचड़ के अंदर। ये देख लो गाइस इतना खतरनाक कीचड़ है, इतनी बड़ी बड़ी घास है, फिर भी आरसी थार बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। अब यहाँ पे आरसी स्पाइडरमैन को रिकवर करने के लिए आरसी थार आ चुकी है, देखते हैं गाइस इतने खतरनाक कीचड़ में से क्या ये इसको पुश करके निकाल पाएगी या फिर नहीं। ये लो भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये जी वैगन से जरा भी कम नहीं है। क्लियरली यहाँ पे इसने इसको बचा लिया है। नो डाउट ये थार इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं स्केटबोर्ड के ऊपर बैठूंगा तो ये मेरे को खींच के लेके जा सकती है, पर आज देखते हैं गाइस मेरे को ये ढकेल पाएगी या फिर नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना गाइस वो रोड के ऊपर किए थे, आज देखो कम्प्लीटली ऑफ रोड में मैं यहाँ पे वो वाला एक्सपेरिमेंट करूंगा। देखते हैं गाइस ऑफ रोड में स्केटबोर्ड के ऊपर मे को बिठा के क्या ये थार पीछे से धक्का लगा पाएगी या फिर नहीं। ओके तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक काम करते हैं, मैं इस तरफ पलट के बैठ जाता हूँ ताकि मेरा पूरा का पूरा वेट जो है स्केटबोर्ड के ऊपर इस तरफ आ सके। इस बार देखो यार ये पूरी कोशिश कर रही है धक्का लगाने के लिए पर नहीं ढकेल पा रही है। ये देख लो यहाँ पे तो इसने इस तरह के गड्ढे बना दिए हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। एक काम करते हैं, अभी ये जो सेम टेस्ट मैंने थार के साथ करा था ना, अब जी वैगन के साथ भी करके देखते हैं क्योंकि उसके अंदर 6-6 व्हील्स लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं। ओए देखो गाइस ढकेल रही है मेरे को, ये धीरे धीरे ढकेल रही है, पर ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो, ओ भाई साहब। ये ग्रेव डिगर के साथ भी सेम टेस्ट करके देखते हैं, मेरे को लगता है ये मेरा वेट ढकेल सकती है क्योंकि व्हील्स के ऊपर देखो अच्छी खासी ग्रिप दी गई है। स्पीड मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। वो भाई साहब ये देखो गाइस, मतलब ये कोशिश तो कर रही है पीछे ढकेलने के लिए पर इसके मोटर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं को इसके ऊपर बिठा के ढकेल सके। कार पूरी तरीके से ओवरहीट हो चुकी है, बिल्कुल भी ये चल नहीं रही है, बस इसकी स्टीयरिंग यहाँ पे काम कर रही है लेफ्ट राइट। अब सेम टेस्ट स्पाइडरमैन कार के साथ भी करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, इसका बम्पर सामने का बहुत मजबूत है यार, देखते हैं इसके अंदर कितनी पावर है। ओए ये क्या हो गया गाइस, थोड़ा दूर से लेके आके ढकेलने के लिए कोशिश करते हैं यार, ये भी नहीं ढकेल पा रही है। ये देख लो गाइस बहुत बार मैं कोशिश कर चुका हूँ। तो ये वाले टेस्ट में सिर्फ ट्रैक्सस जी वैगन ही जीत पाई है। अब दूसरा टेस्ट करते हैं गाइस, थार और जी वैगन के बीच में कराते हैं आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। शॉट यहाँ पे आरसी थार को जरा सा भी चांस नहीं मिल रहा है मर्सिडीज जी वैगन को रोकने के लिए। क्लियरली यहाँ पे मर्सिडीज जी वैगन पूरी पावर लगाकर आरसी थार को पीछे ढकेल रही है और आरसी थार इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पे इसने ब्रेक्स भी लगा लिया, फिर भी मर्सिडीज जी वैगन ने हरा दिया इसको। रीजन इसके 6-6 व्हील्स के अंदर काफी अच्छी तरीके से ग्रिप मिल रही है मिट्टी में, तो क्लियरली यहाँ पे जीत चुकी है मर्सिडीज जी वैगन।
ठीक है, थार पुशबैक में तो हार गई थी, अब कीचड़ के अंदर कराते हैं टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। यहाँ पे इन दोनों को मैं जितनी स्पीड में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन दोनों के व्हील्स कीचड़ के अंदर उतनी बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर थार ने अचानक से खींच लिया है मर्सिडीज जी वैगन को अपनी तरफ और यह बहुत बुरी तरीके से कीचड़ के अंदर इसको घसीट के लेके जा रही है। मर्सिडीज जी वैगन पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर यहाँ पे अब थार को अच्छी खासी ग्रिप मिल चुकी है और आराम से यहाँ पे थार जीत चुकी है। और ये मर्सिडीज जी वैगन की मोटर भी ओवरहीट हो चुकी है, मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। अब थार इसको रिकवर करके बाहर तक लेके आई है। क्लियरली यहाँ पे आरसी थार है सबसे ज्यादा पावरफुल। अब आरसी थार से फाइट करने के लिए आरसी स्पाइडरमैन कार आ चुकी है, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। थार ने इसको इतनी जोर से टक्कर मारी कि यार स्पाइडरमैन कार के पर कच्चे उड़ चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे थार इसको बहुत आराम से पीछे ढकले जा रही है और आरसी स्पाइडरमैन कार रोकने की पूरी कोशिश कर रही है पर यह हार चुकी है। अब आरसी थार के साथ लड़ाई करने के लिए मॉन्स्टर ग्रेव डिगर आ चुकी है। मेरे को लगा था कि गाइस मॉन्स्टर ग्रेव डिगर इसको अच्छी खासी टक्कर देगी, पर आरसी थार ने तो इसको उठा के एक साइड पटक के रख दिया है। ओ माय गॉड, सच में यार आरसी थार बहुत ज्यादा पावरफुल है। देखो वापस से इसने इसको सीधा भी कर दिया है टक्कर मार के। इस पुशबैक में तो थार ने ग्रेव डिगर को उठा के फेंक दिया था। अब कराते हैं टग ऑफ वॉर। यहाँ पे दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दी है मैंने, स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इस बार ग्रेव डिगर आरसी थार को बहुत टफ कंपटीशन दे रही है, पर यहाँ पे सेम दिक्कत इसके अंदर आ चुकी है। इसके मोटर के ऊपर जैसे ही ज्यादा लोड गिरती है तो इसकी मोटर ओवरहीट होने लग रही है। इसी बात का फायदा उठाकर आरसी थार ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है। क्लियरली यहाँ पे वापस से आरसी थार जीत चुकी है। अभी अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात स्टार्ट हो चुकी है, ये कार के अंदर थोड़ा सा भी लोड करने पर देखो ये बंद हो रही है पूरी तरीके से। अब कराते हैं वाटर प्रूफ टेस्ट, देखते हैं गाइस कौन सी कार इतने ज्यादा पानी में सबसे बढ़िया तरीके से चल पाएगी। सबसे पहले ग्रेव डिगर को चला के देखते हैं, ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ कार है पर देखो ये कीचड़ में आके फंस चुकी है। इस बार चलाते हैं स्पाइडरमैन आरसी कार को, ये कार बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। देखो फिर भी इसके चारों के चारों व्हील्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं इतने गहरे पानी में से निकलने के लिए। ऐसा मैं तो इसकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका हूँ। आप चलाते हैं आरसी थार को, नो डाउट आरसी थार बहुत ही कमाल की ऑफ रोडर है और ये पानी में भी बहुत आराम से चल सकती है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है रवि यादव, अंकुश, नमन, जाहिद, प्रज्वल, नाहिद, सुमित, विशाल, रोशन, शाहनवाज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।